वीडियो में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन के जो भी इनबिल्ट बैटरी रहते हैं वो यहाँ पे आप कैसे जाने कि कौन सा बैटरी जो है ख़राब मतलब हो चुका है। ऐसे मतलब बेसिकली ये है कि ज़्यादातर जो है ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा भी बैटरी रहता है जो कि पूरी तरीके से ख़राब नहीं होता है, उसको आप रिपेयर करके चला सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीक़ा से उसको रिपेयर कर सकते हैं और वो जो है आपका अच्छा मतलब बैटरी बैकअप भी देता है, अच्छा बैटरी मतलब उसका रिजल्ट रहता है, अच्छा बैटरी चलता है। तो यहाँ पर जो है पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि कौन सा बैटरी जो है यहाँ पर ख़राब हो गया है, मतलब पूरी तरीके से ख़राब हो गया है या फिर ख़राब नहीं हुआ है जो कि चलने जैसा है, कैसे यहाँ पे जो है उसको पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका बैटरी है, ठीक है, जो भी बैटरी है उसमें यहाँ पे जो है बैटरी में डेट लिखा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे ये बैटरी है, यहाँ पे देखिए इस बैटरी में डेट लिखा हुआ है 25/8/2020। इसी तरह जो है लगभग सभी बैटरी में जो है डेट लिखे हुए रहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इसमें भी दिया है 7/2020। इसी तरह से एक वीवो का यहाँ पे है, इसमें भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें है 17/3/2020, यानी कि जो भी बैटरी है उसमें जो है आपका सभी बैटरी में जो है आपका डेट लिखा हुआ रहेगा। एक डेट यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डेट जो है कितना पुराना है। ज़्यादातर जो बैटरी होते हैं वो मतलब मान के चलिए 3 से 4 साल के बाद जो है वो ज़्यादातर जो है ख़राब होते हैं, ज़्यादातर जो है 3 से 4 साल के बाद जो है ख़राब होते हैं। ऐसे अगर वीवो का बैटरी है तो वो जो है आपका 4 साल से प्लस चलेगा, अगर MI का बैटरी है, MI यानी रेडमी फ़ोन का बैटरी है, तो वो जो है 2 साल से ऊपर होने पर जो है कुछ जो है मतलब बैटरी में दिक्कत आने लगते हैं। तो पहला नंबर पर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पे न्यू डेट है, बैटरी का जो है डेट यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और फिर भी आपका जो है बैटरी मतलब दिक्कत कर रहा है, तो भी यहाँ पे आपको एक अंदाज़ा लगता है कि कौन सा बैटरी सही है ख़राब है, और उसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये देखिए ये जो बैटरी है ये 2020 का है, फिर भी जो है ये बैटरी एक तरह से देखने में ठीक है, और यहाँ पर जो ज़्यादा बैटरी ख़राब हो जाते हैं उसमें जो है उस बैटरी में जो है ढीलापन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको कुछ कुछ बैटरी दिखा रहे हैं, जैसे ये बैटरी है, देखिए ये बैटरी जो है बैटरी देखिए कुछ इस तरह से जो है, देखिए इस तरह से जो है ढीलापन आ जाता है। जब इसको आप हाथ से कुछ यूँ करेंगे तो जो है आपको महसूस होगा कि जो है अंदर से जो है बैटरी वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो उस बैटरी में जो है ढीलापन आ जाता है, तो वो बैटरी जो है आपका ख़राब वो पूरी तरीके से हो गया, वो बैटरी आपका कुछ भी आप रिपेयर कर लें, कुछ भी कर लें, वो बैटरी जो है आपका रिपेयर नहीं होगा। इसी तरह से एक और बैटरी है, ये जो है ये ओरिजिनल बैटरी है जो कि फ़ोन के साथ में आता है, और ये जो है ऐसे मार्केट में जो आता है वो बैटरी है, तो ये भी बैटरी देखिए इस बैटरी में भी जो है ढीलापन आ गया, देखिए तो ये भी बैटरी जो है पूरी तरीका से ख़राब हो गया है। और जो वीवो के जो फ़ोन होते हैं यानी उसमें जो बैटरी लगा हुआ रहता है जो कि ओरिजिनल बैटरी रहते हैं उसमें ढीलापन नहीं आता है ज़्यादातर, फिर भी जो है वो बैटरी मतलब ख़राब हो जाता है। अगर आपका यहाँ पे वीवो के बैटरी है और उसमें 4 साल से प्लस इस बैटरी का डेट हो गया तो वो आपका जो है बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, तो जो है ये आपका 90% चांस है कि ये जो है बैटरी आपका ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और एक और फ़ोन जैसे एक और बैटरी है, जैसे कि ये बैटरी है और यहाँ पे इस बैटरी का यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट इसमें लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर होगा तो इस बैटरी में जो है वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि यहाँ पे 11/22 यानी कि 2022 का जो है ये बैटरी है, और ये बैटरी 2022 का है यहाँ पे देख सकते हैं, और अभी जो है अभी करीब 2 साल से प्लस हो गया। ये मार्केट में जो बैटरी आता है वो बैटरी है, ओरिजिनल बैटरी नहीं है, और ये बैटरी कुछ ही दिन चला, और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक साइड में जो है कुछ इस तरह से ख़राब हो गया, फूल गया है, जो कि यहाँ पे इसका बैकअप अच्छा है लेकिन एक साइड में जो है इस तरह से जो है गैस यहाँ पे बन जाता है, फूल जाता है, जिसके कारण जो है बैटरी का जो मतलब इस तरह से साइज बढ़ जाने से जो फ़ोन का जो उसमें ढक्कन जो होता है पैनल वो सही से नहीं लगता है, और उस तरह में जो है डिस्प्ले भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो जो है जब इस तरह से हो जाते हैं तो ये बैटरी जो हमें चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह से हो गया यहाँ पर, ये आपको मतलब यहाँ पर जो तो ये आपने देखा कि जो कौन सा बैटरी पूरी तरीके से ख़राब हो गया और किस तरह का बैटरी रिपेयर नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कि मतलब डेट भी पुराना नहीं है और उसका बैटरी में ढीलापन भी नहीं है, फिर भी जो है बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे बार बार रिस्टार्ट हो रहा है फ़ोन, या फिर फ़ोन जो है कुछ देर चलता है तो ऑफ हो जाता है, फिर 50% से नीचे होता है तो भी जो है ऑफ हो जाता है। तो उस तरह में जो है आपका जब आए तो वहाँ पे उसको कैसे रिपेयर करें, जैसे कि मान के ये बैटरी है और ये टेक्नो का ओरिजिनल बैटरी है, ये बैटरी देख सकते हैं कहीं से फूला हुआ भी नहीं है, बैटरी में ढीलापन भी नहीं है, फिर भी जो है ये फ़ोन में जब हम इसको लगाते हैं तो ये मेरा जो है फ़ोन इसमें चालू नहीं होता है, अगर चालू होता है तो बैटरी बैकअप नहीं देता है, या फिर कोको फ़ोन में रिस्टार्ट होने लगता है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है 50% के नीचे, 70% के नीचे, तो उस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे रिपेयर करें,
तो सबसे पहला नंबर में जो है यहाँ पे रिपेयर करने का ये ट्रिक है, जब भी आपका फ़ोन रीस्टार्ट होने लगे बार बार या फिर ऑफ होने लगे, तो बैटरी के यहाँ पे सर्किट में जो है एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है यहाँ पे जो है, इसको हम इसमें रिमूव करके आपको इसमें दिखाते हैं। जितने भी तरह के यहाँ पे जो है बैटरी हैं सभी बैटरी में जो है ये रेजिस्टेंस जो है लगा हुआ रहता है। ये बैटरी है, यहाँ पे बैटरी के सर्किट में जो है ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये लगा हुआ रहता है। तो जब भी आपका कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आए, बार बार रिस्टार्ट हो जाए, ऑफ हो जाए, तो ये रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव कर देना है। और यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ दोनों पॉइंट में जो है एक जम्पर लगा देना, यानी कि तार जोड़ देना है। यहाँ पे तार जोड़ देंगे तो फिर जो है इस तरह से करने पर, अगर आपका यहाँ पे इस बैटरी सही है, ढीलापन नहीं है, बैटरी भी ठीक है, और अगर आपका इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस तरह आप करके देखें। इस तरह से करने पर जो है आपका 100 में से 90 बैटरी है कि आपका जो है इस तरह करने पर आपका जो है बैटरी वो काम में आ जाएगा, यूज में आ जाएगा, वो आपका जो है बैटरी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर में यहाँ पे ये हो गया। किसी किसी में जो है ये आपका सर्किट जो है मैं जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो भी रिमूव करने पर अगर फिर भी नहीं होता है, तो यहाँ पे ये जो कनेक्टर, जो बैटरी का कनेक्टर है, मान के चलिए ये बैटरी मेरा ख़राब हो गया पूरी तरीके से, तो जो भी बैटरी आपके पास रहता है, जितने भी तरह के आपके पास बैटरी आते हैं, उसका बैटरी जब आपका पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है तो उसको फेंके नहीं, फेंकने से पहले जो है ये बैटरी का जो कनेक्टर है इसको आप यहाँ से रिमूव कर लें। यहाँ पे रिमूव कैसे करें, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, और इसका रिमूव करने से क्या क्या फ़ायदा है, और इसको रिमूव कैसे किया जाता है, कैसे इसको रिमूव करें। मेरे पास देखिए इतना सारा जो है बैटरी का कनेक्टर है, तो यहाँ पे इतना सारा बैटरी का कनेक्टर रखने से पहला नंबर में यहाँ पे ये फ़ायदा है, जो भी इसमें इसका जो बैटरी का कनेक्टर होता है, जैसे देखिए इस यहाँ पे कनेक्टर है, ये कनेक्टर मेरा बिल्कुल जो है सही है। मान के चलिए कोई ऐसा बैटरी है, जैसे ये बैटरी है, और ये बैटरी मेरा जो है बिल्कुल जो है ओके है, और इसका कनेक्टर किसी कारण डैमेज हो गया है, तो इसको जो है ये कनेक्टर को यहाँ से हम इसको जो डैमेज हो जाएगा उसको हम रिमूव करके यहाँ पे जो है ये कनेक्टर, इसका कनेक्टर लगा देंगे, तो मेरा जो है बिल्कुल ये 100% वर्क करने लगेगा, जिससे है कि यहाँ पे जो है आप कस्टमर से पैसा भी अपना हिसाब से ले सकते हैं, और कस्टमर का भी कम में पैसा काम बन जाएगा, जिससे आपका बेनिफिट भी होगा। तो उस तरह से जो है यहाँ पे कनेक्टर काम में आते हैं। अगर किसी किसी में ये आपका पूरा कनेक्टर ही ख़राब हो जाए, और अगर आपका यहाँ पर सेम कनेक्टर आपके पास है, तो यहाँ से जो है ये दोनों बैटरी को यहाँ पे इस तरह से रिमूव करके डायरेक्ट कनेक्टर पूरा चेंज कर दें, इससे भी जो है आपका काफ़ी जो है इसमें यूज हो जाता है, काफ़ी जो है इससे बेनिफिट आ जाता है। तो यहाँ पर जब भी इसको कनेक्टर आप इसमें चेंज करें, जब भी कनेक्टर यहाँ से रिमूव करें, तो रिमूव करने के लिए जो है इसमें ये ट्रिक आपको यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी बैटरी जो है, जो कि आपको ख़राब हो गया इस तरह का बैटरी, इसका सिर्फ कनेक्टर यहाँ से आपको मतलब निकाल के रखना है, तो यहाँ पे जो है कटर की सहायता से एक यहाँ और एक यहाँ कट कर दें, एक कनेक्टर बाहर आ जाएगा, उस तरह से आप रख सकते हैं। अगर आपका ये बैटरी सही है, आपका सिर्फ कनेक्टर है मतलब ख़राब है, तो ये बैटरी को अगर आपको यूज़ करना है, जैसे मान के चलिए ये मेरा बैटरी है, ये मेरा इधर जो है बिल्कुल सही है, इसका कनेक्टर जो है सिर्फ ख़राब है, और अगर मेरे पास सेम कनेक्टर दूसरा है, जैसे यहाँ में से कोई ले लिए और उसका कनेक्टर इस बैटरी में लगाना है, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर सिंपल सी ये करना है, इसको जो है कुछ इस तरह से अच्छे से इसको यहाँ पे जो है ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको कटर की सहायता से काटना नहीं है। अगर आप यहाँ पे काटेंगे तो फिर जो ये बैटरी जो है उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सोल्डिंग किया हुआ रहता है, और इसमें जब आप सोल्डिंग करेंगे तो आपका उस तरह से जो है सोल्डिंग नहीं लेगा जैसा कि इसमें रहता है। तो पहले तो यहाँ पे इसको आप बहुत ही आसान तरीका से इसको आप रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से इसका पन्नी को हटा सकते हैं। तो पहले इस पन्नी को हटा लें, जैसा कि यहाँ पे हम आपको इसमें हटा के दिखाते हैं। इस तरह से यहाँ पे पन्नी को हटाने के बाद ये जो आपका यहाँ पे दो जो इसमें कनेक्ट रहता है, ये यहाँ पे बैटरी के सर्किट में जो दो पॉइंट आता है बैटरी से, ये प्लस माइनस यहाँ पे देख सकते हैं, इधर माइनस है, इधर प्लस है, प्लस माइनस देख के ही आप जो है दूसरा कनेक्टर लगाएं। तो इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है जो मुड़ा हुआ रहता है उसको यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से सावधानी से जो है इसको खोल लेना है, जैसा कि यहाँ पे हम इसको खोल लिए हैं। अब यहाँ पे खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पर जो हम सोल्डिंग कर देंगे, यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे और फिर डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे, तो इस तरह से ये जो है सोल्डिंग नहीं पकड़ता, इसमें सोल्डिंग नहीं लेगा। तो इसको यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पेस्ट देंगे, और पेस्ट दे के यहाँ पे आयरन की सहायता से इसको जो है रिमूव कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम पेस्ट दे दिए, फिर यहाँ पे इसको हम पेस्ट दे देते हैं। अब यहाँ पे जो है आयरन की सहायता से इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे आयरन की सहायता से इसको आपको यहाँ पे हीट करना है। जब यहाँ पे हीट करेंगे तो जो भी यहाँ पे इसमें मतलब अंदर से जो भी कनेक्ट है वो जो है यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से ये जो है रिमूव हो जाएगा, छूट जाएगा।
तो देखा आपने ये जो है इसको हम यहाँ पे पेस्ट दे दिए थोड़ा आयरन के साथ, ऐसे इसको यहाँ पे हम हीट किए और एक हाथ से जो है थोड़ा धीरे धीरे इसको ऊपर खींचे, तो ये जो है बहुत आसान तरीका से यहाँ पे जो है रिमूव हो गया। अब यहाँ पे मान के चलिए ये कनेक्टर ख़राब है और मेरे पास जो है यहाँ पे जो कि दूसरा सेम कनेक्टर है, तो इसको यहाँ पे हम इसी तरह से यहाँ पे इस कनेक्टर को यहाँ पे लगा देंगे और इसी तरह से फिर यहाँ पे आयरन की सहायता से इसको यहाँ पे इसमें जो है इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो फिर जो है ये बैटरी आपका जो है ये जो बैटरी है ये आपका यूज में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें जोड़ना है तो इसको हम फिर से इसी तरह से यहाँ पे जो है जोड़ देंगे। तो देखिए इसी तरह से जो है यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे जैसा था उसको उसी तरह से जो है यहाँ पे मोड़ के इसको हम सेट कर देंगे। यहाँ पे जब भी आप को भी मतलब जो कि सही बैटरी इस तरह का है उसका जब भी कनेक्टर खोले या लगाएं तो ये जो है ये दोनों आपको कटना नहीं चाहिए, अगर कट जाएगा तो फिर आपको जो है जोड़ने में काफ़ी दिक्कत होगा क्योंकि इसमें जो है सोल्डिंग नहीं पकड़ता है, और अगर सोल्डिंग नहीं पकड़ेगा तो फिर आपका जो है यहाँ पर उस तरह से फिर कनेक्ट ही नहीं होगा, ना जुड़ेगा ना कनेक्ट होगा, और फिर बाद में जो है आपका यहाँ पर उस तरह से दिक्कत होगा। तो यहाँ पर आप इसी तरह से जो है इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास ख़राब बैटरी है उसको फेंके नहीं, उसका कनेक्टर पहले यहाँ पे इसको आप रख लें और कनेक्टर रख के फिर इस तरह से जो है जब आपके पास सेम को उस तरह का बैटरी आता है सेम कनेक्टर आपके पास अगर आता है उस तरह से तो रहता है तो फिर उसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं। एक कनेक्टर का छोटा छोटा जो भी यहाँ पर बैटरी का है उसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी जो आपका बेनिफिट होगा, काफ़ी जो है इससे अपना बेनिफिट ले भी सकते हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका सेम मॉडल का सेम कनेक्टर रहे तो ही जो है आपका काम होगा, जैसे कि यहाँ पे कोई भी आपका कनेक्टर खाली सेम जो भी मॉडल है जो भी कनेक्टर को उसका सेम रहना चाहिए, बाकी उसमें कोई भी लगा सकते हैं।